वाई टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करें, केवल इसी मंत्र की मेडिटेशन क्यों करें, इस मंत्र में ऐसा क्या है? हमारे पास कई सारे मंत्र हैं। अगर आप भारत के वैदिक स्क्रिप्चर्स को आप खंगालोगे तो आपको कई तरह के मंत्र मिलेंगे। आपको गायत्री मंत्र मिलेगा, आपको भगवान शिव जी के कई सारे मंत्र मिल जाएंगे, आपको राधे राधे करके एक मंत्र है वो मिल जाएगा। मतलब कई तरह के जो मंत्र है, बहुत तरह के जो मंत्र हैं वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों। आपने देखा होगा कि इस्कॉन में, ज़्यादातर इस्कॉन में आपसे यही कहा जाता है, जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है वो हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग ही होती है। उस पर मेडिटेट करना ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है वही होती है। इसीलिए उसके लिए सुबह अलग से टाइम बनाया गया है, ताकि आपको सुबह कोई डिस्टर्ब ना करे और आप उस सुबह पूरी की पूरी चैंटिंग अपनी 16 राउंड जो है वो कंप्लीट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कोई नया व्यक्ति नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में, वेदास के बारे में, भगवद्गीता के बारे में सब जानते हैं। क्योंकि अगर कोई नया व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है वो बिल्कुल इन स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं जानता और मतलब कम्प्लीटली न्यू है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और जिनको वैदिक स्क्रिप्चर्स, इन सारी चीज़ों से, भागवतम, भगवद्गीता, सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत लगाव है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ यही है कि इस्कॉन में अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जो बड़े बड़े जो लोग जो प्रेजेंटेशन देते हैं, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी सभाएं बिठाते हैं, जैसे देवी चित्रलेखा जी और भी जो कई सारे लोग हैं, वो सब इसी मंत्र की चैंटिंग के लिए क्यों कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग के लिए क्यों कहते हैं। वाई नॉट कि इतने सारे मंत्र हैं हमारे पास, लेकिन सिर्फ यही मंत्र क्यों, बस इसी मंत्र पर ही क्यों, मतलब सबके सब इसी पर ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा तो इस मंत्र में कुछ है नहीं, तुम्हें तो चाहिए बहुत मुश्किल जो मंत्र, जिनकी जो तुम स्पेल कर पाओ, जिनको बड़े, जिसमें संस्कृत के बहुत खतरनाक खतरनाक जिसमें प्रोनाउंसिएशन हो, और इस तरह के मंत्र तुम्हें सही लगते हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सा मंत्र है, ये सिंपल सा मंत्र जो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये मंत्र तो लग ही नहीं रहा है, क्या है ये मंत्र थोड़ना है, ये तो बस ऐसे गाना हो गया है, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि ये जो मंत्र है, जितने भी वेद, जितने भी उपनिषद, भागवतम हो, भगवद्गीता हो, इसी मंत्र को सजेस्ट करते हैं, इसी मंत्र पर आपको मेडिटेट करने के लिए कहते हैं। जो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी मंत्र पर मेडिटेट करने के लिए किया जाता है, कहा जाता है आपसे। देखिए वो बात अलग थी, गांधी जी सिर्फ राम नाम की चैंटिंग करते थे, और नीम करोली बाबा जिनके भक्त स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग रह चुके हैं, वो भी राम नाम की चैंटिंग करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे, क्या बताऊँ, कई सारे जो लोग हैं, अगर हम बात करें वाल्मीकि जी भी राम नाम की चैंटिंग करते थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो मेन पॉइंट है कि, तो क्या हम सब उनसे, क्या कहते हैं, उनसे हम कंपेयर नहीं कर रहे अपने आप को, लेकिन क्या वो तो सिर्फ राम नाम की चैंटिंग करते थे, लेकिन हम क्या इसमें हरे कृष्ण राम, हम क्या उनसे भी ज़्यादा आगे हैं, क्या हम उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, क्या हम मतलब उनसे अपने आप को ऊपर समझे जो। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं आपको अभी सारे जो सारी बिल्कुल प्रूफ के साथ सारी बातें बता रहा हूँ कि रियलिटी में आपको हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग ही जो कंप्लीटली, जो सब जगह छानने के बाद, सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स को जब निचोड़ने के बाद जो शहद टपका, उस शहद को हरे कृष्ण महामंत्र ही कहते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा मंत्र निकला, ये सिंपल सा मंत्र, आप सोच भी नहीं सकते। कई बार तो हम लोगों ने ऐसी गाने में गा लिया हुआ है, ऐसी
लेकिन इस मंत्र की जो पोटेंशी है ये सच में बहुत ही जबरदस्त मंत्र है। पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स, अगर जितने भी भारत में जितने उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं, हम जितने भी भगवान हैं भारत में और जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें हैं, सबको निचोड़ कर अगर मैं ऐसे करके निचोड़ूं और उसमें से एक उसकी एक गोली बना दूं कि ये लो ये गोली खा लो, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो गोली सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही है। तो यहाँ पर मैं आपको जो एविडेंस है वो कंप्लीट एविडेंस जो है मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं, एक उपनिषद है, आप में से कई सारे लोग जानते हैं उपनिषद के बारे में, तो उपनिषद है एक भारत का स्क्रिप्चर उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम है कली संतरण उपनिषद। कली संतरण उपनिषद जो है, इस उपनिषद में देखिए सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी उपनिषद में, किसी भी स्क्रिप्चर में, किसी भी वेद में, किसी मंत्र के बारे में पूरी बात नहीं लिखी, मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ कि इस मंत्र को, बस ये लिख देते हैं अगर तुम कृष्ण नाम का जप करोगे, अगर तुम राम नाम का जप करोगे, अगर तुम भगवान शिव का जप करोगे, अगर तुम ये करोगे वो करोगे, लिख देते हैं, लेकिन पूरी कंप्लीट जो एक व्याख्या है पूरा कंप्लीट कि भाई जैसे डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है ना, डॉक्टर बताता है कि भाई ये पैरासीटामोल है, कुछ नहीं खाना, ये पैरासीटामोल खानी है, तो इसी तरह से एक जो कली संतरण उपनिषद है इसमें डायरेक्ट ये बात कही गई है, डायरेक्ट देखिए क्या कही गई है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नमनः कली कल्मषा नाशनम् नता परात्रो पाया सर्वा विदेशु दृश्यते। तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो क्या है, द 16 वर्ड्स आपको पीछे बताया गया था कि सडो मतलब षोडशकम्, 16 अक्षरों वाला नाम, द 16 वर्ड्स, इसमें 16 अक्षर होते हैं टोटल, 16 वर्ड्स होते हैं, द 16 वर्ड्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आर स्पेशली मेंट फॉर काउंट्रैक्टिंग द कंटामिनेशंस ऑफ कली, कली मीन्स कलयुग, द प्रेजेंट एज ऑफ क्वरल एंड हिपोक्रेसी। जी हाँ, जो प्रेजेंट एज है लड़ाई दंगों की, आप देख रहे हैं किस तरह से जो वायलेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे आप तालिबान अफगानिस्तान में देख लीजिए, हर जगह जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही नज़रिया लोगों को दिखता है कि वायलेंस करो, बस उसको मार पीट के शांत करवा दो वो शांत हो जाएगा, बट आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज व्हेन अपीयर्स टू डू गुड द रिजल्ट इट गेन्स इज टेम्परेरली गुड बट परमानेंटली इट इज रॉन्ग, परमानेंटली ये बहुत ही बेकार चीज है वायलेंस। तो हम बात कर रहे हैं द प्रेजेंट एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मित्रों, दीज 16 नेम्स कंपोज ऑफ 32 syllables आर द ओनली मीन्स टू काउंट्रेक्ट द एविल इफेक्ट्स ऑफ कलियुगा आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल द वैदिक लिटरेचर, सारे वैदिक लिटरेचर को सर्च करने के बाद, क्या बोला है, आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल द वैदिक लिटरेचर वन कैन नॉट फाइंड अ मेथड ऑफ रिलीजन मोर सबलाइम फॉर दिस एज देन द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। तो यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है, मेरे पास जो अभी बुक है आप देख सकते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा, उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि कैमरा सामने लगा रखा है ना, ये बुक है चैंटिंग हरे कृष्णा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कली संतरण उपनिषद में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कली क्या है, ये कलयुग क्या है, इस कलयुग का मतलब क्या है, कलयुग का मतलब होता है कि एक ऐसे टाइम जोन में एंटर हो जाना, एक ऐसी जगह पर एंटर हो जाना जहाँ पर माइंड जो है, मन जो है,
वो बहुत ही जल्दी एजिटेटेड हो जाना, मन का बहुत ही जल्दी एजिटेटेड हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी डर लगने लग जाना, जल्दी कुछ ऐसा कर देना जिसके बाद गिल्ट होने लग जाना, फिर गिल्ट में डूब जाना, यू नो ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एवरीथिंग इज माइंड इतना जल्दी इतना एजिटेट है, मतलब बहुत जल्दी एजिटेट हो जाना, बहुत गुस्सा आ जाना एकदम से, बहुत ईगो, लोगों के जो ईगो होंगे कलयुग में लोगों का जो ईगो होगा वो लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, किसी भी लेवल तक। और हम देख रहे हैं ये सच्चाई धीरे धीरे करके हमें सामने दिखाई दे रही है कि लोग किस तरह से जो है कितने नीचे गिरते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो कलयुग का मतलब है कि जब हमारा जो माइंड है वो बहुत जल्दी एजिटेट हो जाए, जब लोगों की बुद्धि जो है वो कम्प्लीटली भ्रष्ट हो जाए। कहते हैं ना कि कलयुग आ गया, कलयुग, या कोई बुरा काम कर देता है तो वो कलयुगी बेटा है, तो कलयुगी इंसान है। असल में कलयुगी इंसान हम सब हैं, हम इसीलिए कलयुग में हैं, हम कलयुग ही इंसान, हम सभी लोग हैं। वो तो शायद भगवान की कुछ कृपा होगी, कृष्ण की कुछ कृपा होगी, प्रकृति की कुछ कृपा होगी, जो हमें कृष्ण के नाम की जो शरण है वो थोड़ी सी मिल रही है, जो टच है वो थोड़ा सा मिल रहा है, पता नहीं कैसे। सच में बहुत भाग्यशाली होंगे वो लोग, हैं वो लोग जो कृष्ण के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और ख़ासकर जो सुप्रीम चीज़ है, जो रियल चीज़ है, ना केवल कृष्ण के बारे में जानकारी बल्कि जो उसका मर्म है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके बारे में तुम समझ रहे हो, तो हाउ फॉर्चुनेट यू ऑल आर। तो कलयुग में यही सारी की सारी चीज़ें होंगी, लोगों का जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे के साथ मतलब मिलजुल के नहीं रह पाएंगे। आप देख रहे हो लोग सब अलग रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हर चीज़ में कमी दिखाई देना, हर कंपटीशन का ज़माना जो है कि हर बार ये देखना कि कंपीट करो, बचपन से तुम्हें कंपीट करना सिखा दिया जाता है, कंपटीशन के लिए सिखा दिया जाता है, और तुम्हें बताया भी जाता है कि अगर तुम कंपीट नहीं करोगे तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डार्विन की थ्योरी में जैसा कि बताया गया है कि जो कंपटीशन है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो कंपीट नहीं कर सकता, जिसको जिसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, जो इतना ज़्यादा बायोलॉजिकल जिसके अंदर एडवांटेज नहीं है, वो कैसे कंपीट कर सकता है और रिवॉल्यूशन का पार्ट बन सकता है, वो तो बेचारे उसकी तो जान चली जाएगी। तो मैं डार्विन थ्योरी को गलत नहीं कर रहा, इट्स ऑल राइट, इट्स गुड इन साइंस। सो यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी में बात कर रहे हैं, तो आपको बचपन से कंपटीशन जो है, किस तरह से आपको कहा जाता है कि ये चीज़ कर लो, फिर वो चीज़ कर लो, यहाँ पर एक दूसरे से, अब व्हेन देयर इज़ कंपैरिजन देयर इज़ हेट्रेड, जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ हेट्रेड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, नेचुरली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है हेट्रेड। आज आप किसी से भी पूछो, दो दोस्त मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, सब यही पूछते हैं किसके कितने नंबर आए, किसके कितने मार्क्स आए, अरे कितनी सैलरी मिली है, कितना कमा रहे हो, मेरे से पूछते हैं कितने सब्सक्राइबर हो गए तुम्हारे, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो यहाँ पर क्या है कि दे ऑल सेट कंपैरिजन, यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब लोग तुम्हें, तुम जो हो तुम्हारी रियलिटी से तुम्हें जज नहीं करेंगे, वो जज करेंगे तुम्हें एक नंबर की फॉर्म में, तुम्हें एक संख्या की फॉर्म में लोग जज कर रहे हैं, और तुम्हारी संख्या कम है तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कंपटीशन जो है ये इस तरह से फैलाया गया है, यहाँ पर हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि यार एक दूसरे की लड़ाई हो रही है, वायलेंस हो रहा है, लेकिन वट इज़ दैट वायलेंस विच इज़ हैपनिंग ऑन अ मेंटल लेवल, विच इज़ हैपनिंग ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, जहाँ साइकोलॉजिकल तरीके से हम एक टीम जीत रही है और एक टीम हार जाती है। आपको पता है गीता बबीता की एक सिस्टर, क्योंकि गीता बबीता तो चैम्पियन है, गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट जिसके ऊपर दंगल पिक्चर बनी है, उनकी एक सिस्टर ने सुसाइड कर लिया था। सोचो, तो सुसाइड करने का रीज़न जो है, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि वो गीता और बबीता जो थे वो एक कंप्लीट एक फेम में थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन वो एक बहन कुछ नहीं कर पाई। तो यहाँ पर एक जो रियल डिप्रेशन, एक तरह का तुम्हें फोर्स डिप्रेशन क्रिएट करा जा रहा है तुम्हारे अंदर,
तुम्हारे अंदर एक फोर्स तरीके का डिप्रेशन क्रिएट करा जा रहा है, डिप्रेशन जिसमें तुम्हें जबरदस्ती तुम कंपटीशन में आगे रहो, तुम्हारे अंदर क्या कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर तुम किस चीज़ में अच्छे हो, बजाय उस चीज़ को देखे तुम्हें फोर्स तरीके से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में डाला जा रहा है और वो क्रिएट कर रहा है तुम्हारे अंदर एक डिप्रेशन जो कि फोर्स डिप्रेशन है। फोर्स करा जा रहा है तुम्हें, बार बार फोर्स करा जा रहा है हर एक चीज़ के लिए, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। सो दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ कलयुग। कोई शांति से नहीं रहना चाहता, हर चीज़ में भड़बड़ बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल रश, एक रैट रेस है और कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस सामने वाले को देख के, इधर उधर देख के, आसपास देख के, कंपेयर कर, एक दूसरे को कंपेयर करके हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ द ऑल एज ऑफ कली। और भागवतम में तो ये भी बताया गया है, और भी जो स्क्रिप्चर से हमें ये बताया गया है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाला टाइम जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। कहा जा रहा है कि 10,000 साल के बाद जो कलयुग होगा वो अपनी स्पीड पकड़ेगा और रैपिड तरीके से अपनी स्पीड पकड़ेगा। तब आपको कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लोगों को उस टाइम पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हम अभी देखते हैं, हम कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जब कलयुग बिल्कुल अपनी चरम अवस्था पर होगा। लेकिन इन 10,000 सालों तक क्या है, एक चीज़ बताई हुई है, इन 10,000 सालों के बीच में, जो 10,000 साल हैं, दीज आर द गोल्डन ईयर्स। इस साल जो है, जो मेडिटेशन है इन 10,000 सालों में, मंत्रा मेडिटेशन जो है उसका बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं, लोग काफ़ी सारे जो लोग हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने मन को काफ़ी शांत कर लेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 10,000 साल जो हैं, यानी कि हम लोग जो हैं वो सेफ जोन में हैं। और ये जो 10,000 साल आते हैं, ये जो 10,000 साल आते हैं, ये साल, ये मैं भारत के स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा हूँ, ये कई युगों के बाद आते हैं, कई युगों के बाद, ऐसा बहुत युगों के बाद होता है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और आकर हरिनाम के बारे में जानकारी देते हैं और ये रस जो है वो बांटते हैं। तो यहाँ पर बात है, सिंपल सी बात है, जो एक बिल्कुल एक ऐसा स्क्रिप्चर्स मुझे तुम बता दो, जो एक ऐसा उपनिषद बता दो जिसमें ये बोला हो कि ये मंत्र की चैंटिंग कर लो, तुम्हें बोलेंगे राम की कर लो, तुम्हें बोलेंगे शिव की कर लो, तुम्हें बोले दुर्गा की कर ले, तुम्हें बोलेंगे गणेश जी की कर लो। लेकिन कोई ऐसा मंत्र नहीं होगा जो तुम्हें स्पेशली ये बताएगा कि इसकी मत करो, उसकी मत करो, ये रहा मंत्र, इसकी करो, इस पूरे की करो। और कहना उस चीज़ का जो कलयुग के बारे में बता रहा है, कलयुग जो मंत्र है, कलयुग के काउंटर इफेक्ट को दूर करने के लिए, कलयुग में कलयुग की जो चीज़ें हैं इनसे बचने के लिए, ताकि ये कंटामिनेशन, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो शांति से रहना चाहते हैं, सुख तरीके से रहना चाहते हैं, मस्ती में रहना चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए कि कोई वर्ल्ड में क्रिएट हो बेकार की चीज़ें। तो खासकर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, द कलयुग, कलयुग का जो प्रभाव है वो ऐसा ही होता है। जब कलयुग की जब फर्स्ट टाइम एंट्री हुई थी महाराजा परीक्षित के, क्योंकि महाराजा परीक्षित ने वो पहन रखा था सोने का मुकुट, तो उसमें कलयुग को जगह दी थी कुछ जगह पर रहने के लिए। तो सोने के मुकुट में कलयुग जो है वो आकर बैठ जाता है, और जैसे ही सोने के मुकुट में कलयुग बैठता है महाराजा परीक्षित के, वैसे ही महाराजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब इसमें महाराजा परीक्षित की क्या गलती है, कलयुग के आते बुद्धि भ्रष्ट, वो क्या करते हैं, फिर जो सांप होता है उस सांप को, जो एक मरा हुआ सांप होता है उस सांप को एक ऋषि के गले में डाल देते हैं। तो एक ऋषि के जब गले में सांप को डाल दिया तो कैसे, जो आप देख सकते हैं, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। उसी के बाद जो सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जो सर्प है वो काटने के लिए आता है, फिर महाराजा परीक्षित जो हैं वो भागवतम के लिए जाते हैं, सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी के पास, तो ये और सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि कौन सा मंत्र है, कौन सी चैंटिंग है, कौन सा क्या है। इसीलिए आपको हमेशा यही कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि कलयुग में एक चीज़ होती है, वो है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जब हम हरे कृष्ण की चैंटिंग करते हैं, तो इन दिस वेरी चैंटिंग वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कृष्णा, विद द गॉड, डायरेक्टली कनेक्टेड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो हमारा बन जाता है। इसमें हम डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हैं। कहने का मतलब
कि भगवान का नाम जो है, जो हम भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं, वही भगवान है। भगवान का नाम ही भगवान है कलयुग में। कलयुग में अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो हरे कृष्ण में जो आप कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, ये जो है ये समझ लीजिए आप कि आप हरे बोल रहे हैं, तो आप भगवान कृष्ण को और राधा रानी को कम्प्लीटली अपने साथ बैठा हुआ पा रहे हैं। वो बात अलग है, आप अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन भगवान का जो साथ है वो आपके साथ हमेशा है, उस टाइम तक जब तक आप मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं और तब तक जब तक आप हैं। सो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग के लिए कहा जाता है। और श्रीमद् भागवतम में ये बात भी बताई गई है कि जो एक बार भी, चाहे कोई व्यक्ति वो भले ही कुत्ते का मीट खाता हो, कुत्ते का मांस खाता हो, अगर वो एक बार भी कृष्ण का नाम ले ले, अगर एक बार भी वो हरे कृष्ण की चैंटिंग कर ले, तो वो संत बन जाता है। एक बार अगर बोल दिया, एक बार अगर किसी ने, कोई इतना ज़्यादा पापी है जो कुत्ते का मांस तक नहीं छोड़ता, सुअर का मांस तक नहीं छोड़ता, अगर वो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर दे, तो वो पूजने लायक है, संत बनने लायक है, उसके पैर छूने लायक है वो व्यक्ति। तो सोचो जो इस मंत्र की चैंटिंग रेगुलरली करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। सो ये जो पोटेंशियल है इस मंत्र की, इतनी ज़बरदस्त है। अभी इसके साइंटिफिक उस पर भी आएंगे हम कि इसका साइंस से क्या रिलेशन है। अभी बिल्कुल एक, अभी मैं तुम्हें एक कंप्लीट डिवोशन में दिख रहा हूँ, उसके बाद तर्क वितर्क पर आएंगे, साइंटिफिक मैटर पर आएंगे, साइंटिफिक पॉइंट्स पर आएंगे बिल्कुल। तो ये जो है हरे कृष्ण मंत्र की चैंटिंग है। और बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, कृष्ण का नाम लेने से, राम का नाम लेने से, कितने जो पापी थे वो भी जो है वो भक्त बन गए। क्या आपने सुना है, एक व्यक्ति जो लोगों की गर्दन काट लेता था, जो लोगों को जान से मार देता था, इतना बड़ा पापी था, लोगों की गर्दन इकट्ठी करके रखता था, खून खराबा करता था, उसने गलती से एक बार राम का नाम ले लिया, गलती से राम का नाम ले लिया, उस टेस्ट को, वो जो टेस्ट था राम के नाम का, वो उसको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि वही व्यक्ति, वो जो खूंखार हत्यारा जिसका हर जगह नाम था, लोग डरते थे, वही खूंखार हत्यारा पता है कौन बनता है, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी है, रामायण। तो आप देख सकते हैं भगवान का नाम लेते ही अजामिल जो है वो कैसे मुक्त हो गया, जिसने अपने घर पे अपने बच्चों को छोड़ दिया था, अपनी घरवाली को छोड़ दिया था, और एक वैश्या के साथ जीवन बिताना स्टार्ट कर दिया था उसने, और बहुत तरह के जो बेकार बेकार कृत्य किए, कर्म किए उसने, लेकिन भगवान नाम की जो कृपा है वो उसके ऊपर आई, और जिससे एक जो अजामिल नाम का जो पापी था वो भी मुक्त हो गया। हरिदास ठाकुर के पास एक वैश्या आई थी उनको उनको स्टिमुलेट करने, उनको अरोज करने के लिए हरिदास ठाकुर के पास, लेकिन हरिदास ठाकुर मंत्र की चैंटिंग करते रहे करते रहे करते रहे, और वो जो महिला थी वो भी चैंटिंग में इतनी मुग्ध हो गई, इतनी मुग्ध हो गई, वो जो वैश्या थी इतनी मुग्ध हो गई, उसको इतना टेस्टी लगने लगा भगवान का नाम कि वो एक साध्वी बन गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसा है ये, क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे, तो हम इस बारे में जरा थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बात भी करते हैं। असल में दोस्तों यहाँ पर जब हम इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, आपको बोला जाता है कि आप इस मंत्र की जो ध्वनि है, इस मंत्र की जो साउंड है, ये जो वाइब्रेशन, इस पर ध्यान रखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इस मंत्र का जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, इस मंत्र की जो साउंड है, बस उस साउंड पर ही आपको फोकस्ड करना है, उस साउंड पर ही आपको ध्यान लगाना है, बाकी जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स, बाकी जितनी भी चीज़ें, उन पर आने देना है, उनको रोकना नहीं है, उनको आने देना है, बस उनको वैल्यूज़ नहीं देनी, उन पर फोकस नहीं करना, बस आप जो है इस मंत्र पर चैंटिंग करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, राम हरे हरे। अब इससे क्या होता है, ये जो मंत्र है जब इसकी चैंटिंग जो है आप रेगुलरली करने लग जाते हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस होने लगती है, माइंडफुल प्रेजेंट में रहने की अब आपकी प्रैक्टिस होने स्टार्ट हो जाती है, और जब आप प्रेजेंट में रहना धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देते हैं, अब आपने, क्योंकि कहा जाता है कि इस मंत्र की चैंटिंग 10 मिनट 20 मिनट करिए, और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं
वो दो दो घंटे करते हैं और कई लोग तो और भी ज़्यादा घंटे करते रहते हैं। तो क्या होता है, प्रेजेंट में रहने से, इस मंत्र की बार बार चैंटिंग करने से करते करते आपका माइंड जो है वो फुल्ली प्रेजेंट में आ जाता है। और जब माइंड फुल्ली प्रेजेंट में, कम्प्लीटली प्रेजेंट में आ गया, तो आपके मन में, आपके माइंड में जो विकार हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, वो किस लिए हैं? पास्ट के मेमोरीज, फ्यूचर की चिंता, ये सारे के सारे जो चीज़ें, इतनी भार जो है, इतना वेट जो है बढ़ गया है दिमाग पर, इतना स्ट्रेस, यही तो स्ट्रेस है। लेकिन जब आप रेगुलरली दो घंटे तक हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, और कितनी भी देर करते हैं, 5-10-15 मिनट, तो आप प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं पास्ट से और फ्यूचर से, प्रेजेंट में आ जाते हैं। और प्रेजेंट में रहना, यही मुक्ति है, यही तो मुक्ति है, दिस इज़ द रियल लिबरेशन। तो ये है इसका साइंटिफिक जो मतलब है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ठीक है, हम फिर ये सारे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, ये भगवत गीता है, ये सारे की सारी चीज़ें, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कुछ मत पढ़ो, तुम भगवत गीता मत पढ़ो, तुम भागवत मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, एक व्यक्ति है जिसने सभी वेदों को पढ़ा हुआ है, सभी वेद, सारे भगवत गीता, सारे ग्रंथ, सब कुछ पढ़ा हुआ है, वो सब कुछ पढ़ रहा है, रेगुलरली नॉलेज लेता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, दिमाग में पढ़ते जा रहे हैं। और एक व्यक्ति जो है वो सिंपल सा बुद्धू व्यक्ति, कुछ नहीं आता उसको, उसको बस एक बात बोल दी, ले भाई ये मंत्र ले, हरे कृष्ण महामंत्र का, बस इसी की चैंटिंग करा कर, और कुछ मत कर, कुछ मत पढ़, बस इसकी चैंटिंग करा कर। तो आपको पता है, सबसे पहले जो लिबरेट होगा, जो मुक्त होगा, इस व्यक्ति का तो पता नहीं, जो पढ़ते जा रहा है वेद, उपनिषद, शास्त्र, हाओ मिस्टर शास्त्रार्थ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये जो चैंटिंग कर रहा है ना, ये जरूर मुक्त हो जाएगा एक ना एक दिन। और ऐसे ही व्यक्तियों को मुक्ति मिलती है, मुक्ति मतलब कम्प्लीटली जो जितनी भी टेंशन है, जो कंटामिनेटेड डिज़ायर हैं, सारी खत्म हो जाएगी, आप अपनी नेचुरल अवस्था पर आ जाओगे, कम्प्लीटली नेचुरल पर्सन बन जाओगे आप। तो हरे कृष्ण महामंत्र इसीलिए ज़रूरी है। और आपको ये साथ साथ ये लेक्चर्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे जो नॉलेज है एक तरह से, ये आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप प्रैक्टिकल अच्छी तरह कर पाएँ। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो मैकेनिकल नहीं रखनी, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो मैकेनिकल फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस बीइंग इन लव, बीइंग इन कंपैशन, कंपैशन से जो इंटेलिजेंस आ रही है, लव से जो इंटेलिजेंस आ रही है, दैट इंटेलिजेंस जो है, उस इंटेलिजेंस से जब आप चैंटिंग करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही चीज़, बिल्कुल एक रिलैक्सेशन होगी। और देखिए, इस चीज़ के चक्कर में मैं मानता हूँ, जो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत होते हैं, हर जगह पर कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ गलत लोग होते हैं, गलत लोग जो होते हैं तुम्हें हर फील्ड में मिलेंगे, हर जगह तुम्हें, मंदिर में भी चप्पल चोरी करने वाले लोग मिलेंगे, तो अगर मंदिर में तुम्हारी चप्पल चोरी हो जाती तो तुम मंदिर जाना छोड़ दोगे क्या? नहीं। तो हर जगह गलत लोग होते हैं, गलत लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, तो इस जगह पर जो धर्म का व्यापार करने वाले लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इसको एक बिजनेस बना देते हैं, एक बेकार तरीके का, और इससे लोगों का भरोसा उठता है कहीं ना कहीं, और अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक डिफरेंस बताऊंगा आपको, एक रियल हिंदुत्व, रियल हिंदुज़म, और एक पॉलिटिकल हिंदुज़म, दोनों में डिफरेंस बनाने की एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आपकी आँखें ऐसी की ऐसी रह जाएंगी, आप कहोगे ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है रियल चीज़ ये है कि आपकी इंटेलिजेंस जो है, वो आपकी इंटेलिजेंस जो आएगी वो लव और कंपैशन के थ्रू आनी चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस को मैकेनिकल बनाना नहीं है। क्योंकि आपकी जब इंटेलिजेंस मैकेनिकल बनेगी तो वो मैकेनिकल इंटेलिजेंस वो बहुत हार्मफुल होगी, और वही मैकेनिकल इंटेलिजेंस आज क्या बना रही है पता है? आज वही मैकेनिकल इंटेलिजेंस लोगों को बचाने के लिए एक अलग तरीके का वायलेंस बना दे रही है, एटम बॉम्ब बना दे रही है। आज वही मैकेनिकल जो थिंकिंग है, वो मैकेनिकल इंटेलिजेंस है, बंदूकें बन जा रही हैं उसकी, उसी मैकेनिकल इंटेलिजेंस से हम वायलेंस कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस जो है वो लव से आनी चाहिए, प्यार से आनी चाहिए, और प्यार तुम्हें जी भर के कौन सिखाएगा? कृष्ण से ही तो प्रेम सीखते हैं, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु से। रियल तो कृष्ण नहीं है, रियल चैतन्य महाप्रभु है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र की। सो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, ये आपको कैसी लगी? और आप अगर चाहते हैं इसके बारे में और वीडियोस, इस रिलेटेड और भी जो मैं इसके एविडेंस दे सकूँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो में कि मुझे किस तरह की और वीडियोज़ बनानी चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।